Good evening, friends. Today our topic is 7th house lord in 11th house. So before knowing the impact of 7th house lord in 11th house, first we have to know about the 7th house and 11th house. 7th house lord placed 5th from on house, so we can also know about the impact of 1st house lord in 5th house. Now, according to the Brihadprasar Hora Shastra, Dare se lav aste, lav bhav aste, dare artha samagama, putradi sukham alpam, cha jana kanya prayojita. Jana kanya prajo bhavet means dare se. Dara bhav ka swami, lav bhav me baitha ho, तो जातक को दारा की वेल्थ का लाभ होता है. मींस व्हेन द सेवेंथ हाउस लॉर्ड इज प्लेस्ड इन इलेवेंथ हाउस, नेटिव में भी गेनिंग वेल्थ थ्रू हिज वाइफ. पुत्रादि सुखम अल्पम मींस लैक ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सन्स एंड अदर मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस. जनह कन्या प्रजो भवित मीन्स ही हैज मैनी डाउटर्स इन कंपेरिजन ऑफ सन्स. मीन्स जातक की पुत्रियां अधिक होगी, पुत्र कम होंगे. अकॉर्डिंग टू द बृहद यवन जातक, व्हेन द सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस, नेटिव्स वाइफ विल बी डेवोटी ऑफ हिम. सी मे बी ब्यूटिफुल, she has best conduct, native may be getting wife via rituals marriage, she may be suffering from issue at the time of childbirth. Now we have to learn the impact of 7th house lord in 11th house according to 11th house is a upche house. So 7th house lord is placed in 11th house. Then 7th house lord or 7th house natural significant will be improved. And planet who is the 7th house lord, its natural significant will be also improved. Means 11th house upche house hai. इसलिए सातवां हाउस या सप्तम भाव के नेचुरल सिग्निफिकेंट यानी प्राकृतिक गुण या कारकत्व का वृद्धि होगा. और सेवेंथ हाउस लॉर्ड जो प्लेनेट होगा उसके भी नेचुरल कारकत्व में वृद्धि होगी. सेवेंथ हाउस बिलोंग्स टू द काम कोना एंड इलेवेंथ हाउस इज आल्सो काम कोना एंड उपचय हाउस. So 7th house lord in 11th house make native more sensual. Native is naturally capable to attract opposite gender. 7th house is also belongs to marriage. So 7th house lord 11th house is indicating it may possible native may has more than one marriage. Or it may also possible native has many affairs or relationship with many women or he may be flirting in natures. Saptam bhav kam kuna hai. 11th house also kam kuna hai. And 11th house upcha house bhi hai. So saptam bhav ka swami 11th house mein jayega to jatak ko kamuk pravirti ka banayega. जातक जो है विपरीत लिंग के व्यक्ति को या स्त्री को या पर्सन को अट्रैक्ट करने का नेचुरल या प्राकृतिक गुण होगा. जातक का एक से ज्यादा विवाह हो सकता है या जातक एक से ज्यादा महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है या उसका एक से ज्यादा अफेयर्स हो सकता है और या जातक जो है फ्लर्टिंग नेचर का हो सकता है.
11th हाउस इज ए हाउस ऑफ प्रॉफिट, 11th हाउस लाभ का हाउस है, एंड 7th हाउस बिलोंग्स टू द मैरिज और वाइफ. सो 7th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस इज इंडिकेटिंग नेटिव मे बी गेटिंग वेल्थ थ्रू मैरिज, मीन्स जातक को अपनी शादी से धन की प्राप्ति हो सकती है. नेटिव मे बी गेट्स वेल्थ और फॉर्चून रिगार्डिंग मनी और वेल्थ आफ्टर हिज मैरिज, मीन्स जातक का विवाह होने के उपरांत उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में इम्प्रूव होगा या उसको धन की प्राप्ति होगी. नेटिव्स वाइफ में भी बिलोंग्स टू रिच फैमिली, जातक की पत्नी जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग कर सकती है. नेटिव में अर्न विथ हेल्प ऑफ हिज वाइफ और नेटिव्स वाइफ में भी वर्किंग वुमेन और अर्निंग वुमेन. जातक जो है अपनी पत्नी के सहायता से धन कमा सकता है या जातक की पत्नी कमाने वाली हो सकती है. नेटिव्स वाइफ में भी फ्रॉम रिलेटिव्स फैमिली सच एज फैमिली बिलोंग्स टू इल्डर ब्रदर्स और मामा जी, जातक जो है उसके पारिवारिक संबंधों, जातक की पत्नी जो है उसकी पारिवारिक रिश्ते में हो सकती है, जैसे उसके बड़े भाई के फैमिली की तरफ से या उसके मामा जी की कोई रिलेटिव्स की फैमिली के तरफ से. सेवेंथ हाउस इज बिलोंग्स टू पार्टनरशिप और भावत भावम हाउस फॉर प्रोफेशन हाउस. सो सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन प्रॉफिट हाउस इज इंडिकेटिंग नेटिव में गेट्स प्रॉफिट इन पार्टनरशिप बिजनेस. सेवेंथ हाउस जो है वो जो है बिलोंग्स करता है पार्टनरशिप बिजनेस से. सो सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस इज इंडिकेटिंग नेटिव जो है पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करेगा. इट मे ऑल्सो इंडिकेटिंग नेटिव मे गेट सक्सेस इन प्रोफेशन रिगार्डिंग मनी मेकिंग, मीन्स जातक जो है अपनी प्रोफेशन से अच्छा धन कमाएगा या उसका जो प्रोफेशन हो सकता है वो धनों के आदान प्रदान या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है. सेवेंथ हाउस ऑल्सो बिलोंग्स टू वुमेन, सो नेटिव में अर्न प्रॉफिट वाया हेल्प ऑफ वुमेन और नेटिव में हैज प्रॉफिट ऑफ वुमेन. जातक आइदर स्त्रियों से धन कमा सकता है या स्त्रियों के हेल्प से धन कमा सकता है या उसको स्त्रियों का लाभ मिलेगा. नेटिव में भी अर्निंग फ्रॉम ओरिजिन प्लेस और फार अवे प्लेस. सातवां हाउस जो होता है जातक के जन्म स्थान से दूर का प्लेस या फार अवे प्लेस होता है और यह हाउस लॉर्ड जो है वो बैठा है प्रॉफिट वाले हाउस में या लाभ वाले हाउस में. सो जातक ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान से बहुत दूर के जगह से पैसा बना सकता है या पैसा कमा सकता है. सातवा हाउस मारक हाउस होता है. सो सेवेंथ हाउस लॉर्ड इज ए मारक हाउस. सो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन 11th हाउस इट विल बी इंप्रूविंग इट्स मारक कैपेसिटी ऑफ सेवेंथ हाउस लॉर्ड, क्योंकि सप्तम हाउस जो है वो उपचय हाउस है, इसलिए सप्तम हाउस का स्वामी 11वें हाउस में जब जाएगा तो वो अपने मारक क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा. अगेन 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ हैप्पीनेस रिगार्डिंग लाइफ स्पेन. 11th हाउस जो है वो आयु को सुख को भी दर्शाता है, क्योंकि 11th हाउस जो है अष्टम भाव से चौथा हाउस है यानी फोर्थ हाउस है आयु के सुख का भाव. एंड यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड बैठा है तो सप्तम भाव का स्वामी जब 11th हाउस में बैठेगा अगर वो अच्छा से नहीं बैठे हुआ होगा या वेल प्लेस्ड नहीं होगा देन इट विल बी इंपैक्ट नेटिव्स लाइफ स्पेन. मींस व्हेन एज ए मारक 7th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस विल आल्सो इंपैक्ट ऑफ नेटिव्स लाइफ स्पेन. इफ द 7th हाउस लॉर्ड इज नॉट वेल प्लेस्ड इन 11th हाउस देन इट मे काउज लॉस ऑफ लाइफ स्पेन
और इफेक्ट इविल इफेक्ट ऑन द लाइफ स्पेन इट विल बी डिपेंड्स ऑफ मारक स्ट्रेंथ ऑफ सेवेंथ हाउस अदरवाइज सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस में काउज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यदि आयु से संबंधित कोई परेशानी न भी हो तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई इश्यूज हो सकता है सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन इलेवेंथ हाउस एस्पेक्ट्स फिफ्थ हाउस सो इट्स गिव इम्पैक्ट ऑन फिफ्थ हाउस सातवें हाउस से ग्यारहवें हाउस से सातवां हाउस लॉर्ड जो है वो पांचवें हाउस को देखेगा सो यह पांचवें हाउस को भी प्रभावित करेगा सातवां हाउस जो है वो पांचवा हाउस से तीसरा घर है सो पांचवें हाउस के लिए यह अच्छा नहीं है सो इसकी दृष्टि जो है पंचम भाव पे चाइल्ड रिलेटेड मैटर्स पे भी इफेक्ट करेगी मीन्स एज ए सेवेंथ हाउस इज दुस स्थान फॉर द फिफ्थ हाउस सो इट्स एस्पेक्ट्स फ्रॉम इलेवेंथ हाउस इन फिफ्थ हाउस मे नॉट कंसिडर गुड रिगार्डिंग द चाइल्ड बर्थ अकॉर्डिंग टू द सागे प्रासर मुनि इट मे काउज बर्थ ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन इट मे काउज इविल रिगार्डिंग सन बट इफ द वेल प्लेस्ड देन नेटिव हैज वेरी गुड सन सप्तम भाव को सतपुत्र का भी हाउस माना जाता है मीन्स ऐसा पुत्र जो जातक के लिए नेम और फेम लेके आएगा सो अगर सातवां भाव का स्वामी ग्यारहवां भाव में अच्छी तरह से बैठा हो और जहां वो पांचवें में देख रहा उससे इसकी किसी भी प्रकार की शत्रुता न हो मीन्स मित्र हाउस हो तब जो जातक को है बहुत ही अच्छा पुत्र प्राप्त होगा यानी सतपुत्र प्राप्त होगा दैट चिल्ड्रेन मे हेल्पफुल इन हिज अर्निंग्स एंड प्रोफेशनल लाइफ इलेवेंथ हाउस बिलोंग्स टू द इल्डर ब्रदर्स एंड सेवेंथ हाउस इज नाइन्थ फ्रॉम इलेवेंथ हाउस सो इफ वेल प्लेस्ड सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन 11th house, then it will be improve fortune of his elder brothers. If not well placed, then it is cause marak for his elder brothers. In the same sense, we can also say that 11th house natural significance